Hey guys, welcome to your own YouTube channel, Azoological, one destination for all information. तो गाइज ये है हमारा चैप्टर नंबर 13 क्लास 12 हिस्ट्री का, जिसका नाम है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, और ये है इस चैप्टर का पार्ट सेकंड। तो गाइज अगर आपने इससे पहले पार्ट वन नहीं देखा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको अभी तक आई बटन पे आ गया होगा ऊपर, वहां से भी आप देख सकते हैं, या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक ड्रॉप कर दूंगा, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो क्या, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो सॉल्ट मार्च हुआ था, सॉल्ट मार्च होने के बाद हुआ क्या कि जब देखा गया कि बहुत सारे एजिटेशंस हो रहे हैं, पूरी हम कह सकते हैं ऑल ओवर द कंट्री हर पार्ट से जो है एजिटेशन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो ब्रिटिशर्स को ये माइंड में आया कि अब हमें जो है यहाँ पर थोड़ी नेगोशिएशन की बात करनी चाहिए, थोड़ा बहुत पावर वगैरह शेयर करना चाहिए, और अब यहाँ पे टेबल के ऊपर जितने भी मेजर लीडर्स हैं उनके साथ वार्तालाप होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था कि इसको लेकर यहाँ पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी। कितनी गाइस? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज यहाँ पर रखी गई थी। अब इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हुए थे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप सबको याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज के हिसाब से भी और साथ साथ में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमने गाइस आपको बताया था कि आपके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी इंडियन पैक्ट भी साइन हुआ था। तो जनवरी 1931 में गाइस गांधी जी को जब अरेस्ट किया गया था इससे पहले, तो फिर बाद में जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिलीज कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। उसके बाद से बहुत सारी मीटिंग्स गाइस यहाँ पर वॉइसरॉय के साथ जो है गांधी जी ने करी, और उसमें क्या हुआ कि गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। मतलब वार्तालाप के बाद डिसीजन ये निकला कि भाई गांधी इरविन पैक्ट साइन किया जाएगा। अब इसमें क्या था, तो इस इरविन पैक्ट के तहत यहाँ पर बताया गया था कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था उसको यहाँ पर कॉल ऑफ कर दिया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपको पता है, नॉन कॉपरेशन में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सबसे बड़ा फर्क ये है गाइस कि नॉन कॉपरेशन में तो ये था कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे उस टाइम की, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये था कि हम डिसोबे करेंगे, यानी जो रूल्स हैं उन सबको वायलेट करेंगे, डिसोबे करेंगे। तो ये अलग अलग मूवमेंट्स में अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव्स निकल के आ रहे थे और डेवलपमेंट होती जा रही थी। हालांकि गांधी इरविन पैक्ट में ये बात कही गई कि भाई हम इसको कॉल ऑफ कर लेंगे, और उसके बाद गाइस ये भी इसमें बात की गई कि जितने भी प्रिजनर्स को अरेस्ट किया गया है, जितने भी प्रिजनर्स को जेल में डाला गया है, उन सबको बिना किसी ट्रायल के रिहा किया जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात गांधी इरविन पैक्ट में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल भी थी उस टाइम के लिए, वो ये था कि टू अलाउ सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग अलॉन्ग द कोस्ट, कि भाई अब यहाँ पर जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग है उस पर ब्रिटिश की कोई भी मोनोपोली नहीं रहेगी। इसमें गांधी जी ने जो है यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी उसमें ज़्यादातर मौके पर और खास करके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। अब अगर हम बात करें गाइज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात आई गई है तो मुकम्मल तौर पर चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लंदन में हुई थी, हालांकि सारी की सारी राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंसेज हुई थी वो लंदन में ही हुई थी। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गाइज नवंबर 1930 में हुआ था, और हालांकि इसमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन या इंपॉर्टेंट आउटकम निकल के नहीं आया, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो इंडिया के मेजर लीडर्स थे वो सब एब्सेंट थे। अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जो कि इंपॉर्टेंट मानी जाती है, वॉज हेल्ड इन लंदन इन द लेटर पार्ट ऑफ 1931, और गांधी जी ने इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था, और उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि भाई जितने भी तीनों पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग कह लें या प्रिंसेस कह लें और कांग्रेस कह लें, तीनों को जो है गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ गाइज एक और यहाँ पर मेजर लीडर थे उस टाइम पे, लॉयर थिंकर, आप सबको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने इस क्लेम को अपोज किया और कुछ जो है यहाँ पर छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट हुए, जिसकी वजह से बाद में क्या हुआ कि सेकेंड राउंड टेबल भी, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी ज़्यादा कंक्लूसिव नहीं हुई, उसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला, और उसके बाद गांधी जो थे वो यहाँ पर इंडिया को वापस आ गए, और अपना जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जो पहले कॉल ऑफ किया था पैक्ट के तहत, वो अब यहाँ पर रिज्यूम कर दिया, दोबारा शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पिक्चर्स भी आपको शो हो रही होगी। तो गाइज मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर 1915 से 1948 तक की बात करेंगे, तो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने से पहले उसका बैकग्राउंड क्या था। तो गाइज अगर हम बात करें 1935 से लेकर 1945 के बीच में जो मेजर इवेंट्स हुए उनके बारे में, तभी हम समझ सकेंगे किस तरीके से जो फाइनल हमारा मूवमेंट हुआ था सबसे, हम कह सकते हैं बड़े लेवल पर, जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, वो किस तरीके से शुरू हुआ। तो ये बात है 1935 की, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया था कि 1931 तक तो ये आपका जो है मामला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हो गया। उसके कुछ सालों बाद 1935 में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसने यहाँ पे गाइस प्रॉमिस किया कि हम यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या हम कुछ पावर आपके साथ शेयर कर सकते हैं, आपके साथ मतलब उस टाइम के इंडियन मेजर लीडर्स के साथ, उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ इंडिया के। 1937 में क्या हुआ कि पहली बार इलेक्शन हेल्ड किया गया ऑन रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज, यानी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन के साथ, जिसमें कांग्रेस ने अच्छी खासी मेजोरिटी हासिल की। और मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर इलेक्शन हेल्ड किया गया था पहली मर्तबा 1937 में, ये प्रोविंशियल लेवल पे था। प्रोविंशियल लेवल आप कह सकते हैं आज के समय के हिसाब से स्टेट लेवल या लोकल लेवल पर किया गया था, जिसमें से 11 प्रोविंसेस थे उस टाइम पे और 8 प्रोविंसेस में यहाँ पर कांग्रेस को मेजोरिटी हासिल हुई थी। 1939 में उसके बाद गाइज आप सबको पता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया था, और वॉर में किसी भी कंट्री को रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, लोग चाहिए होते हैं वॉर के टाइम पे। तो उस टाइम पे हुआ क्या कि जो इंडियन लीडर्स थे उनसे डिमांड की जा रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा कि भाई आप लोग जो है अपने लोगों को भेजिए वॉर में, हमारी मदद कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अब इसमें इंडियन लीडर्स को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी, और जाहिर सी बात है फिर यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि इसके बाद हमें इंडिपेंडेंस ग्रांट कर दी जाएगी, यानी हमें आज़ादी मिल जाएगी। हालांकि गाइज इसका अगर हम बात करें जो कंक्लूजन था वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि बाद में इस ऑफर को रिफ्यूज़ कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा अक्टूबर 1939 में, और इसके इफेक्ट में जितनी भी कांग्रेस की उस टाइम पे मिनिस्ट्रीज थी उन सब ने रिज़ाइन कर दिया। और इसी के साथ साथ एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट यहाँ पे शुरू हो गया सत्याग्रह दोबारा, और ये पूरा जो है कांग्रेस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ताकि ब्रिटिश को यहाँ पे प्रेशराइज किया जाए कि इस मौके पर वो हमें जो प्रॉमिस है, जो फ्रीडम का प्रॉमिस है, उसको मान ले जब वॉर ख़त्म हो जाएगी, और उससे पहले हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ गाइज ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि भाई हम जो है यहाँ पर अपना अलग से एक सेपरेट नेशन चाहते हैं मुस्लिम्स के लिए। तो गाइज फिर उसके बाद 1942 में जब इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, इतनी सारी एजिटेशन हो रही थी, तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, उन्होंने गाइज यहाँ पे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा इंडिया पे कि भाई आप जाके जो है कॉम्प्रोमाइजेशन की बात कीजिए कि जो है अगर वार्तालाप से बात सुधर जाती है तो ठीक है। तो गांधी जी के साथ उन्होंने मुलाकात की और बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स के साथ। हालांकि जो क्रिप्स मिशन था ब्रिटिशर्स की तरफ से वो फेल हो गया, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट यहाँ पे डन नहीं हो पाया, और जो एक तरीके से मेन प्रॉमिस था इंडिपेंडेंस ग्रांट करने का वो भी पूरा नहीं हुआ। अगस्त 1942 में गाइस फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया, और जितने भी मेजर लीडर्स थे उस टाइम पे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया 1944 में। हालांकि बाद में गांधी जी को रिलीज़ किया, और फिर उन्होंने यहाँ पर कोशिश की कि जो यहाँ पर डिवीज़न हुआ था मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में उस टाइम पे, उसको यहाँ पे कम किया जा सके ताकि जो एक यूनिटी है वो बनाई जा सके। 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाद में अपने आप को कह दिया, क्योंकि उस टाइम पे लेबर पार्टी आ गई थी ब्रिटेन में भी, और 1945 तक आते आते यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कहा कि हम आपको इंडिपेंडेंस ग्रांट कर देंगे। लेकिन गाइज अभी यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट का पूरा सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है, मैंने बताया आपको ये सिर्फ बैकग्राउंड था। अब आते हैं गाइज वापस यहाँ पे क्रिप्स मिशन में, और बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में। तो क्विट इंडिया मूवमेंट गाइज उसके बाद लॉन्च हुआ जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा, और ये हम कह सकते हैं थर्ड मेजर मूवमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। गांधी जी और जो अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, और जो मूवमेंट था फिर उसके बाद वो यंग लीडर्स के हाथों में चला गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी हड़तालें यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई, बहुत सारे जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रोटेस्ट एजिटेशन वगैरह ऑर्गेनाइज किए गए। और गाइस पार्टिकुलरली ये बहुत सारे जो सोशलिस्ट लीडर्स थे उनके जो है अंडर में यहाँ पे सारी की सारी रेजिस्टेंस जो है ऑर्गेनाइज की गई, जैसे कि जया प्रकाश नारायण। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट उस टाइम पे भी गाइस बहुत सारे सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर प्रोक्लेम किए गए, जैसे सटारा जो है गवर्नमेंट सटारा के नाम से यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया वेस्ट में, और फिर उसके बाद मिदनापुर जो है नाम से गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई ईस्ट में, यानी अपने लोगों ने खुद से जो है इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। क्विट इंडिया वॉज जनरली अ मास मूवमेंट ब्रिंगिंग इन टू इट्स एम्बिट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस। तो गाइज यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि आप पिक्चर से भी यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये असल में ही बहुत बड़ा मास मूवमेंट था, इसका फाइनली इम्पैक्ट पड़ा था, और जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनको यहाँ पर इंडिपेंडेंस ग्रांट करनी पड़ी थी। इट स्पेशली एनर्जाइज द यूथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये थी कि इसने यूथ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया और बहुत लार्ज नंबर में किया, यहाँ तक कि कई सारे कॉलेज स्टूडेंट जो थे उस टाइम पे वो लोग भी यहाँ पर इसमें ज्वाइन हुए और उनको भी यहाँ पर जेल में जाना पड़ा था। फिर गाइस 1943 में कुछ यंगर लीडर्स थे सटारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के सटारा डिस्ट्रिक्ट में, जिन्होंने इसी तरीके की पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, और उसका नाम यहाँ पे दिया गया प्रति सरकार विद वॉलंटियर कॉप्स, जिनका नाम था
सेवा दाल यानी वॉलंटियर्स का नाम था सेवा दाल, और कई सारे विलेज यूनिट्स भी यहाँ पे स्टेब्लिश किए गए जिनका नाम रखा तूफान दाल। द रेन पीपल कोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्टिव वर्क। फिर उन्होंने यहाँ पर अपना जो है गवर्नमेंट के तौर पे अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन बना लिया, और फिर ये जो काम थे गवर्नमेंट वगैरह के वो सब उन्होंने यहाँ पे करना शुरू कर दिए। अब गाइज यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आता है मेन पॉइंट, वो ये है कि 1945 में लेबर गवर्नमेंट जब ब्रिटेन में पावर में आई तो उसने यहाँ पर अपनी कमिटमेंट शो करी कि भाई हम जो है इंडिया की इंडिपेंडेंस ग्रांट करेंगे। इंडिया में जो वॉइसराय थे उस टाइम पे जब बदले तो उस टाइम पे वॉइसराय बने थे लॉर्ड वेवल, तो उन्होंने यहाँ पे कांग्रेस के साथ और मुस्लिम लीग के साथ नेगोशिएशन किया, और 1946 के अर्ली पार्ट में ही यानी शुरुआत में ही जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस था वो हेल्ड किया गया, जिसमें कांग्रेस ने जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है हासिल की, और जो मुस्लिम लीग थी उसने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हासिल की। रिजर्व मतलब जो अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग क्लास के लिए जो रिजर्व की गई थी, और जो भी यहाँ पर नेगोशिएशन हुआ था उसके हिसाब से जो इलेक्शन किया गया था। कैबिनेट मिशन यहाँ पे गाइस सेंड किया गया था समर ऑफ 1946 या आप कह सकते हैं मिड 1946 के दौरान। हालांकि कैबिनेट मिशन का जो कंसेंसस था वो मेन जो उनका एम था वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाया, कि भाई ये था कि भाई कांग्रेस और लीग मिलके यहाँ पर काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद गाइस इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ चुका था, जिन्होंने उसके बाद गाइस यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल यहाँ पर उठाया और यहाँ पर फोर्स किया कि जो लीग की डिमांड है एक न्यू कंट्री की जिसको नाम रखा गया पाकिस्तान, वो हम यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे 16 अगस्त 1946 को, लीडिंग टू ब्लडी राइट्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इस डायरेक्ट एक्शन डे की वजह से गाइस पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया के पार्ट्स में अलग अलग जगह पे, हर जगह पे राइट्स दंगे फसाद होना शुरू हो गए। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंट को यहाँ पर वायसराय अपॉइंट किया गया। ही टू हेल्ड इन कंक्लूसिव टॉक्स एंड ही अनाउंस दैट इंडिया वुड बी फ्रीड बट ऑल्सो डिवाइडेड। हालांकि उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि यहाँ पर जो डिवीजन ना हो, दोनों साथ में जो है नेगोशिएशन करके बात जो है अपनी कर लें और हम जो है आसानी से जो इंडिपेंडेंस है वो ग्रांट कर दें, लेकिन गाइस इसका कोई भी फल नहीं निकला। और इसका जो मैं कह सकता हूँ कंक्लूजन था वो यही था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी लेकिन डिवीजन के साथ। द फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर वॉज फिक्स फॉर 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस की ऑफिशियल डेट रखी गई। तो गाइस ये तो बात हो गई इंडिपेंडेंस की, लेकिन मुख्य इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आप मिस करके बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लास्ट हीरोइक डेज ऑफ महात्मा गांधी। जैसे कि आप सबको पता है कि महात्मा गांधी ने ही 15 अगस्त का जो इंडिपेंडेंस डे रखा गया था सेलिब्रेशन, उसमें पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। आपके माइंड में आ रहा होगा क्यों, तो गाइज उस टाइम पे वो कलकत्ता में थे और उन्होंने यहाँ पर उस टाइम पे जो कलकत्ता में भी जो फंक्शन हुए थे नेशनल फ्लैग वगैरह होस्ट करने के, उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि जिस फ्रीडम के लिए उन्होंने इतने सालों तक स्ट्रगल किया, एक अनएक्सेप्टेबल प्राइस जो है यहाँ पर उन्होंने अफोर्ड किया इन सारी चीज़ों के लिए, इसलिए कि भाई यूनिटी के साथ सब लोग रहें। जो डिवीजन हुआ वो डिवीजन से बहुत ज़्यादा गांधी जी नाराज थे। गांधी मार्क द डे विद अ 24 आवर फास्ट, और यहाँ तक कि उन्होंने इस चीज़ के लिए 24 आवर का फास्ट भी रखा था। गांधी जी वेंट अराउंड हॉस्पिटल्स एंड रिलीजियस कैंप्स गिविंग कॉन्सोलेशन टू डिस्ट्रेस पीपल। उन्होंने यहाँ पे जितने भी राइड्स वगैरह हुए थे उसमें जितने भी जख्मी लोग थे, इंजर्ड लोग थे, उन सबकी हेल्प की। गांधी जी हैड फॉर अ लाइफ लॉन्ग बैटल फॉर अ फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया। गांधी जी ने बहुत लंबी हम कह सकते हैं यहाँ पे स्ट्रगल किया एक फ्री और यूनाइटेड इंडिया के लिए। जब कंट्री डिवाइड हो गई थी तो उन्होंने यहाँ पर दोनों पार्ट्स की तरफ से कहा, उन सबको अर्ज किया कि आप लोग जो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। अब डिवाइड हो गए थे तो उसके बाद भी गांधी जी ने कहा कि अब भी आप लोग जो अपनी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ज़्यादा जो है रेज मत कीजिएगा और आराम से एक दूसरे की रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिएगा। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को जो है शॉर्ट कर दिया गया बाय नाथुराम गोडसे, हु हैड डिनाउंस गांधी जी एज एन अपीसर ऑफ मुस्लिम। यानी गांधी जी को नाथुराम गोडसे के द्वारा यहाँ पर शॉर्ट कर दिया गया था, और इन्होंने यहाँ पर ये गांधी जी पे इल्ज़ाम लगाया कि वो एज अपीसर ऑफ मुस्लिम्स थे। अब गाइज यहाँ पर जो लास्ट पार्ट है जो एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो ये है कि हमें जितनी भी अभी तक शुरू से लेके अंत तक, यानी शुरू से लेके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है अलग अलग सोर्सेज से, पहली बात तो वो हमने किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया, यानी हमें कैसे पता चला, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने कैसे ऑर्गेनाइज की, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज दैट कैन बी यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल करियर ऑफ गांधी जी एंड द हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट। ये आपके लिए द हिस्ट्री स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आगे चल के भी और अभी के लिए भी, जिससे आपका रैशनल भी बढ़ेगा। तो गाइज यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसके द्वारा
हम यहाँ पर जो पॉलिटिकल करियर है गांधी जी का और जी के साथ साथ जो नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री है उसको यहाँ पे रिकंसल्ट कर सकते हैं। उसमें से कुछ निम्नलिखित इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। पहला सोर्सेज है पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट। जी हाँ, जो पहला इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है राइटिंग और स्पीचेज ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज कंटेम्प्रेरीज इंक्लूडिंग बोथ हिज एसोसिएट एंड हिज पॉलिटिकल एडवर्सरीज। यानी महात्मा गांधी की खुद की स्पीचेज, उनकी राइटिंग्स और उनके एसोसिएट जो उनके कंपेनियंस थे साथ में उस टाइम पे, उनके जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं राइटिंग और स्पीचेज और उनके अकाउंट। आउट ऑफ दोज अ डिस्टिंक्शन इज टू बी मेड विच वर फॉर द पब्लिक एंड विच नॉट। और इसी के साथ साथ हालांकि ये भी हमें डिस्टिंक्शन करना पड़ता था हिस्टोरियंस को कि कौन कौन सी चीज़ें पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई हैं, कौन कौन सी प्राइवेट है। प्राइवेट लेटर्स गिव अ ग्लिम्प्स ऑफ हिज प्राइवेट थॉट्स। जो प्राइवेट लेटर्स महात्मा गांधी भेजते थे प्राइवेट लोगों को, तो वो अलग से उनका जो थॉट था, अलग पर्सपेक्टिव था उस टाइम पे लिखने के टाइम, तो वो थोड़ा अलग था, उससे हम ज़्यादा रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन जो पब्लिक लेटर्स लिखते थे उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। मैनी लेटर्स आर रिटन टू इंडिविजुअल्स एंड आर देयरफॉर पर्सनल बट दे आर ऑल्सो मीन फॉर द पब्लिक। हालांकि उसमें भी हमें कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी मिली थी। द लैंग्वेज ऑफ द लेटर इज ऑफन शेप बाय द अवेयरनेस दैट दे मे वन डे बी पब्लिश। और ऐसा भी लगता था कि भाई कहीं ना कहीं जो जिस टाइप से लेटर जिस वे में लिखा जाता था, ऐसा लगता था कि भाई इसे पब्लिश तो करा ही जाना चाहिए, मतलब देख के ही लगता था कि ये पब्लिश करने के लायक है। महात्मा गांधी पब्लिश लेटर्स रिटन बाय अदर्स टू हिम इन हिज जर्नल हरिजन। महात्मा गांधी ने अपने जर्नल हरिजन में भी कई लोगों के जो लेटर्स थे वो पब्लिश किए थे। नेहरू एडिटेड अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स रिटन टू हिम एंड पब्लिश एज अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर। नेहरू ने भी उनके जितने भी लेटर्स थे उनका कलेक्शन करके एक बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के तौर पर भी पब्लिश करवाया था। तो ये तो हो गया पहला आपका सोर्स। दूसरा सोर्स था गाइज यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जो है वो हमें एक अकाउंट देती है पास्ट की, जो कि उस पर्सन की या उस पर्सन से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं उनको डिटेल में बताया जाता है। दीज आर रिटन वेरी ऑफन फ्रॉम मेमोरी व्हाट द ऑथर कुड रिकलेक्ट। है ना, ये तो ऑथर के ऊपर ही डिपेंड होता है किस तरीके से वो रिकलेक्ट करे, किस तरीके से लिखे। व्हाट ही थॉट टू राइट विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर हिम बट नॉट फॉर ऑल। अब ऐसा भी नहीं है कि जो भी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है वो सब हिस्टोरियंस के लिए आने वाले समय में यूजफुली हो। इन ऑटोबायोग्राफी अ पर्सन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन अ वे ही वॉन्ट्स टू बी सीन। और ये भी बात है कि भाई अगर कोई अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है तो वो कभी अपने आप को इतना नेगेटिव तो नहीं शो करेगा, या फिर ऐसा भी नहीं देखेगा क्योंकि वो खुद को चाहता है कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसमें, तो मैं जो है थोड़ा अच्छे तरीके से ही रिप्रेजेंट करूँगा। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे हिस्टोरियंस ने ध्यान में रखा हुआ था। बट हियर अगेन वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ द वे वी रीड एंड इंटरप्रेट ऑटोबायोग्राफीज। लेकिन यहाँ पे हमें इसकी इंटरप्रिटेशन करते समय भी बहुत सावधान रहना चाहिए। अब देखिए, ऑटोबायोग्राफी लिखना एक तरीके से हम कह सकते हैं अपने आप की ही पिक्चर को फ्रेम करना है। तो हम जब इन अकाउंट्स को पढ़ते हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे ऑथर लिखना चाह रहा है, किस वे में उसने लिखा है और हमें क्या यहाँ पर चीज़ों को समझना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर दैट साइलेंस दोज विलफुल और अनविलिंग एक्ट ऑफ फॉरगेटिंग। जो पर्सनल रीजन है वाई ही चूजेस टू अमिट सम फैक्ट्स एंड पब्लिश अदर्स, हमें ये भी देखना है कि कौन कौन से फैक्ट्स ने छुपाए हैं या कौन कौन से फैक्ट जो है यहाँ पर शो किए हैं, ये सारी चीज़ें भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद गाइस जो तीसरा सोर्स हमें यहाँ पे मिला है वो है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, खास करके पब्लिक डायरीज। जो अनदर वाइटल सोर्स है वो है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स फॉर द कॉलोनियल रूलर्स, क्योंकि वो उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छा खासा गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखते थे जो कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। लेटर्स और रिपोर्ट जो कि पुलिसमैन के द्वारा और बाकी ऑफिशियल्स के द्वारा लिखे गए थे वो हालांकि सीक्रेट थे कुछ टाइम पे, लेकिन अब उनको आर्चिव्स में एक्सेस किया जा सकता है। फॉर 90 रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय होम डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन पुलिस इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, होम डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत सारी जो है रिपोर्ट तैयार की जाती थी। होम डिपार्टमेंट वॉज अनविलिंग टू एक्सेप्ट दैट गांधी एक्शन हैड वर्क एनी एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक। दांडी मार्च वॉज सीन एज अ ड्रामा एंड एक्टिंग अ डिस्परेट अटेम्प्ट टू मोबिलाइज पीपल। होम डिपार्टमेंट को लगता था कि भाई ये जो है सिर्फ मोबिलाइज करने के लिए किया गया है, दांडी मार्च से उतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ये ब्रिटिशर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था। उसके बाद गाइज ऑफकोर्स उस टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज वन ऑफ द मोस्ट है वो है न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स इंग्लिश में और डिफरेंट डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में लिखा जाता था और इसने यहाँ पर महात्मा गांधी की ज़्यादातर मूवमेंट्स को कवर किया है और उनकी जो एक्टिविटीज़ थी उसके ऊपर भी रिपोर्ट आई है। द रिप्रेजेंटेड ऑर्डिनरी इंडियन थॉट्स। न्यूज़पेपर अकाउंट्स हाउएवर शुड नॉट बी सीन एज अनप्रेजुडाइज्ड। ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर है तो अनप्रेजुडाइज्ड यानी कोई इसमें बायसनेस नहीं होगी, हमें ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। पीपल हु हैड देयर ओन पॉलिटिकल ओपिनियन एंड वुड रिफ्यूज पब्लिश देम। अब जिसके खुद के जो पॉलिटिकल ओपिनियन होंगे उसके हिसाब से वो यहाँ पर पब्लिश करवाएगा। अब ये जो आइडियाज़ हैं, दीज आइडियाज शेप व्हाट वाज पब्लिश एंड द वे इवेंट्स वर रिपोर्टेड। और यही जो आइडियाज़ थे ये इसी तरीके से पब्लिश होते थे और किस तरीके से वो इवेंट को दिखाना चाहते थे उसी के हिसाब से रिपोर्टिंग करते थे न्यूज़पेपर्स में।
तो गाइस यहाँ पे जो आपका चैप्टर है फाइनली ख़त्म होता है बिल्कुल आराम से। मुझे उम्मीद है आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक इसकी इस नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ आप बना लीजिए, क्योंकि बाद में रिवीजन करते समय भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह गया हो, कोई शंका रह गया हो, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर ज़रूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई हम आपको ज़रूर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।